खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में देश दुनिया की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल से लेकर मनोरंजन जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। गाजीपुर में यातायात माह के समापन के दौरान पुलिस और यातायात विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया। जागरूकता अभियान के तहत नाटक के जरिए लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की कोशिश की गई। अभियान के तहत पुलिस और यातायात विभाग की ओर से फूल देकर लोगों से यातायात नियमों के पालन की अपील की गई। इस दौरान पुलिस एवं यातायात विभाग ने लोगों को यातायात नियमों के पालन के लिए शपथ भी दिलाई। इस मौके पर पुलिस विभाग ने बाइक सवार लोगों को हेलमेट प्रदान किए। मेरे साथ जो मैं दोहराता हूँ, हाथ भाई भाई को, दो पहिया वाहन चलाएंगे तो हेलमेट अवश्य पहनेंगे, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करेंगे तो उसको नजदीकी अस्पताल में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम आप मऊ मऊ से आ गए बताइए। ठीक अरे यार बहुत अच्छा लगा, नियमों का पालन कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम बेसिकली वही रहा है जो पिछले हम लोग 30 दिन से करते आए हैं, जैसे जागरूकता वाला अभियान। और आज नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो हम लोगों ने समापन किया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आम जनमानस को जागरूक किया जाए हेलमेट के प्रति, सीट बेल्ट के प्रति और अन्य यातायात नियमों के प्रति जो है जागरूक किया जाए। और ये कार्यक्रम जो है हमारे अब निरंतर जारी रहेंगे, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में जो हम लोगों को जो ये टारगेट मिला है 50% से ज़्यादा कमी लानी है, उसके लिए हम लोग बेशक हर प्रयास करेंगे और भी युद्ध स्तर पर हम लोग रोड पर उतरेंगे और भी मेहनत करेंगे हम लोग। देखा गया है कि पुलिस के द्वारा जो बिना हेलमेट वाले को गुलाब का फूल दे दिया गया है, ये किस तरह का मतलब गांधीगिरी थी या क्या था ये? दरअसल जो गुलाब का फूल उन्हीं लोग को दिया गया है जो हेलमेट और सीट बेल्ट धारण करके रोड पर चल रहा है, उन्हीं को जो है ये गुलाब का फूल देकर ये प्रोत्साहित किया गया है कि कम से कम ये जो यातायात नियमों का वो पालन कर रहा है और भी पालन करते रहें आगे चल के, और अपने आसपास पड़ोस और अपने रिश्तेदारों को भी ये पालन करने के लिए प्रेरित करें। ये अगर देखा जाए तो एक महीने से लगातार आपका यातायात माह का कार्यक्रम चल रहा है, आज समापन हुआ, इस अपने यातायात माह को गाजीपुर में कितना सफल आप मान रहे हैं? यातायात माह में हम लोग जितना हम लोगों का भरपूर प्रयास रहा है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ समझ पा रहा हूँ कि लगभग काफी हद तक हम लोग सफल हो पाए हैं इसमें, और ये नहीं कहूँगा कि 100% मैं सफल हो पाया हूँ, लेकिन हाँ ये आगामी आने वाले समय में बिल्कुल और भी प्रयास करेंगे हम। ऐसा नहीं कि हम यातायात माह में ही इसको यही तक से ये हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, इसको ये नुक्कड़ नाटक माध्यम से या अन्य और भी विधि माध्यम से जागरूक करने का प्रयास हम जनता करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। इस महीने में चालान के माध्यम से लगभग कितने की राजस्व की प्राप्ति हुई होगी? सर ये डाटा जो है भी निकलना बाकी है, तो वो जो है कि इसको हम अगर देखा